हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप न करें, अंत तक देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका आंसर आपको पता है तो आप हमें आंसर बता सकते हैं। तो आनंद मठ के लेखक का दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम, ये आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, तो आपको याद रखना है, बंगला भाषा में है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एक गीतांजलि, ये क्वेश्चन पूछा था गीतांजलि किसकी, गीतांजलि लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और दोस्तों गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और भारत की तरफ से पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ही जी थे, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक, 1913 में। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कारों की। जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद करते चलिए, नोट करते चलिए, आपका एग्जाम पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सरोजनी नायडू की दोस्तों, तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सरोजनी नायडू की, द गोल्डन थ्रेश होल्ड। द गोल्डन थ्रेश होल्ड किसकी पुस्तक है? प्रसिद्ध पुस्तक सरोजनी नायडू की है। और अरविंद घोष की इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। ठीक है, तो जितने मैं पॉइंट आपको बताएं जरूर नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो किसने प्रारंभ किया था, यह भी हाल ही में रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। और ये कब शुरू हुआ था? 1951 में इसको प्रारंभ किया था, भूमि सुधार आंदोलन था ये। ठीक है, भूदान आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन था, किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए इतने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, सारे काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप मेरे साथ सॉल्व करते चलें। नहीं आ रहा तो आप सॉल्व करते चलें, आपको मैं याद कराते चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, प्रसिद्ध लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक कौन है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है दोस्तों अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 के प्रवर्तक कौन थे? तो 1784 में स्थापित हुई थी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों सर विलियम जोन्स। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। स्थापना जरूर याद रखिएगा, 1784 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है, स्थापित कब हुआ था? 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। कब, इसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, और ये 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में, सन जरूर याद रखिएगा, पूछा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक, उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, अगर बात करें 2018 में साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो आपको बता दें कि इस वर्ष जो है 2018 में साहित्य नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अकादमिक कुछ सदस्यों के ऊपर यौन अपराध का आरोप लगा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 2018 का नोबेल नहीं मिला है, और भारत की तरफ से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, तो आप फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से, काफ़ी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछा आता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर संबत पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संबत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित शक संबत पर। ठीक है, शक संबत पर आधारित है, याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संबत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो ये तो एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस था वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? आपको बताना कि इनमें से कौन सी कृति जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नहीं है। तो दोस्तों
कपाल कुंडला ये नहीं है, बाकी चित्रा द कोट डांसर, चित्रांगदा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किया गया था दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, तो याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? आपको बताना है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? हुआ था दोस्तों ये रीडिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था दोस्तों? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये स्थापित किया दोस्तों एनी बेसेंट ने, ठीक, 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? मैडम भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए काफ़ी सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार दोस्तों प्रेमचंद, ऑप्शन ए प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगोर, ठीक है, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, विश्व इतिहास की झलक रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ गाया कर गाया गया था? दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का जो पहला समाचार पत्र था, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है तो आप बता सकते हैं, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, ठीक है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है, याद रखिएगा डी, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये भी पुस्तक पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस, करंट जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपका स्कोर। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो सेक्शन में जाकर, बहुत सारी वीडियोस में बना के रखा हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड और डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड, आप जरूर देखा करें, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों आपको नेक्स्ट मैं किस टॉपिक की वीडियो अपलोड करूँ आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमको। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, वहाँ पर फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।